हीना कंडीशनिंग के साथ ऑलिव ऑयल का दम। कश्मकश जिंदगी की प्रायोजक सनसिल्क, दो गुने घने बाल अब एक रुपए में। जहाना थकल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया था? विक्रम मल्होत्रा ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी। विक्रम साहब ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है? क्यों? क्योंकि उन्हें शक है कि तनु की किडनैपिंग में मेरा हाथ। पर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तनु का कुछ पता चला? उनका कुछ पता नहीं चला, उल्टा मुझ पर इल्जाम और लग गया। कहते हैं डायन भी एक घर छोड़ देती है, पर पता नहीं ये विक्रम साहब कैसे आदमी है। चलो पायल के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया मैं समझ सकती हूँ, वो गैर है, पर तुम तो उनके अपने हो। उनकी बेटी का स्वभाव, इल्जाम लगाने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। जब तनु को इसके बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? उन्हें आजकल किसी की परवाह नहीं, वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत अजीब किस्म के इंसान है। तनु को ढूंढने में तुम्हारी मदद करने के बजाय उल्टा तुम्हें फंसा रहे हैं। उनकी ये हरकतें देखकर मैं तो बाबा बहुत हैरान हूँ, लेकिन मुझे उनके किसी भी काम पर हैरानी नहीं, क्योंकि अब मैं उनकी फितरत अच्छी तरीके से समझ चुका और उन्हें जो करना हो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके पीछे भागने वाला भी नहीं। वैसे भी जब उन्होंने सोच लिया है कि मैं उनका दामाद नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा कि वो मेरे ससुर। मल्हार ने है। हेलो हेलो काम्या भाभी, आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ आदित्य बोलो, कैसे हो तुम? मेरी अभी पूर्वा से बात हुई और जो सुना उसके बाद बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ? तनु भाभी साहिल भैया के घर से अपने पापा के यहाँ जाने के लिए निकली पर वहां पहुंची नहीं। पुलिस का मानना है कि उन्हें किडनैप किया गया है। क्या तनु के साथ ऐसा कौन कर सकता है? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। पता नहीं, अचानक ये सब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। खैर अपने घर के क्या हालात है? कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। मयंक और नानी माँ मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अभी तक उन्होंने सबक नहीं सीखा? यही तो इनकी खासियत है,
जिनका खाते हैं उन्हीं को आंख दिखाते हैं। मयंक भैया घर पर हैं? नहीं, कहीं बाहर गया है। लगता है आ ही गए। क्या मतलब? मतलब अभी अभी गाड़ी रुकने की आवाज आई है, लगता है वो लोग आ गए। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मेरे कमरे में कैसे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत किया करो, और एक जन्म में तो क्या, तुम 10 जन्मों में भी मेरी भाभी बनने के लायक नहीं हो। मेरी भाभी सिर्फ और सिर्फ तनु है। मेरी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, और खास करके तुम तो कभी नहीं। देखिए ननन जी, आप इस घर की बेटी है, बेटी की तरह रहिए। अरे मैं तो क्या, कोई भी बहू ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी ससुराल वाले उसके होते हुए किसी और औरत को अपनी बहू कहे। और वो और औरत तुम हो। तुम जैसी औरत की नजर जिस घर पर भी पड़ती है ना, वो घर तो नरक बन जाता है, नरक। जब से तुम इस घर में आई हो, सबका जीना हराम कर दिया है तुमने। अब मैं तुम्हारा ये नाटक और नहीं चलने दूंगी। चलो यहाँ से। देखिए, ये मेरे पति का घर है और मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। मुझे यहाँ से निकालोगी तो देखती हूँ मैं तुम्हें कौन बचाता है। मुझे तुम्हें कौन बचाता है, मुझसे तुम्हें कौन रखता है। अब बस, तुम हाथ हो चुका, कितनी बेइज्जती करवाओगी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। नहीं मौसी, नहीं, मैं अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, आपको पहले ही बहुत चोट लग गई है। देखो पर, यहाँ के लोग निर्दयी हैं, तुम्हारी जान ले लेंगे। चलो यहाँ से। मौसी, चाहे जो हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर यही होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देखो बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम चलो ना मेरे संग। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती तुम यहाँ से कैसे नहीं जाती हो, देखती हूँ मैं। साहिल का सपना पूरा करना बहुत आसान हो गया है। अरे भाई, मेरी वजह से नहीं, एक अच्छे एडवाइजर की वजह से। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अपनी तनख्वाह सही समय पर चाहिए। तनु जी, आपके पापा के साथ कोई और भी आया है? देखिए, अगर आप हमसे भी गले लगेंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा दाई अम्मा, ये आप की बहू। चलो चलो, खाना खाते खाते बात करेंगे, आओ। चलिए। हेलो अंकल। अरे मयंक, बैठो बेटा। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? दरअसल तनु के बारे में सुना, कुछ पता चला? नहीं। सुना है वो आधी रात को आपके यहाँ आ रही थी। बहुत हैरानी की बात है। नहीं, साहिल जैसा सुलझा हुआ आदमी आधी रात को अपनी प्रेग्नेंट बीवी को घर से कैसे बाहर जाने दे सकता है?
अंकल, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तनु की गैर मौजूदगी में वहाँ कोई दूसरी लड़की रह रही है। नहीं, बुरा मत मानिए अंकल, कहीं इस सब कुछ में उसका हाथ तो नहीं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस हाथ से ना जैसे मेरी सोचने और समझने की ताकत को ही खत्म कर दिया। लेकिन सोचना चाहिए अंकल, तनु की जिंदगी का सवाल। नानी माँ गई थी वहां पर, वो बता रही थी किस तरह उस घर की औरतों ने उस घर पर, उस साहिल पर कब्जा सा कर लिया। और साहिल में भी जो बदलाव आया है, बहुत हैरानी की बात है। तुम सही कह रहे हो बेटा, साहिल अब पहले जैसा नहीं रहा। यकीन नहीं होता कि जिस आदमी की लोग मिसाल दिया करते थे वो इतना बदल जाएगा, मुझ पर इस तरीके से झूठे झूठे इल्जाम लगाएगा। इल्जाम लगाना, सच को झूठ साबित करना, ये सब तो उसकी पुरानी आदत है। खैर, मुझे तो ये सब बातें पहले ही पता थी, अब आपको भी पता चल गई। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सच्चाई पता तो चली, लेकिन बहुत देर हो गई। हाँ बेटा, मैंने साहिल को पहचान लिया। पहले पहचान जाता तो आज अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखना पड़ता। आखिर और कितना जलील करवाओगी हम सबको? मौसी, जब चीजों हमसे पूछेंगे कि हमने उनके लिए इंतजार क्यों नहीं किया, तब क्या जवाब देंगी? अरे जवाब तो हम तब देंगे ना छुटकी, जब हम उसे मिलेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ साहिल चाहकर भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे जहाँ हमारे पति रहते हैं। आपको जाना है तो आप चले जाइए। मैं क्या यहाँ से अपने लिए दूर जा रही हूँ? वो पूर्वा तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी, तुम्हें पीट रही थी, ये सब कुछ हमसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। साहिल को भी आज ही देर करनी थी, उसको दिखाने के लिए तो ये सारा नाटक शुरू किया मैंने। नाटक का मतलब है नाटक, जो लगातार बिना अटके चलता रहे। पर अगर आज साहिल ने ज्यादा देर कर दी तो अब तक का लगातार जारी मेरा ये नाटक अटक जाएगा। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया ये? कहाँ रह गया? हाँ हाँ, अरे तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। मयंक चौधरी को तो जानते हो ना तुम, अपने वादे का बहुत पक्का हूं मैं। तुम्हारे साथ भी जो वादा मैंने किया है उसे पूरा करूंगा। हाँ एक और बात सुनो, दोबारा मुझे फोन मत करना, मैं खुद सही मौका देखकर तुम्हें फोन करूंगा। मिलने आऊंगा मैं तुमसे, ओके बाय। मैं किससे बात कर रहा था? ये तो इस तरह से बात कर रहा था जैसे कहीं तनु के किडनैपिंग के पीछे मयंक का तो हाथ नहीं। साहिल, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पता नहीं। किसी बातें कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आपको खुद को पता नहीं? मौसी, मौसी मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूं, अब आप लोगों ने भी जाने की तैयारी कर ली, मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ाएं।
मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों की वजह से तुम और परेशानियों में घिर जाओ। आज तक तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया वही काफी है। हम तुम्हारे एहसानों का बोझ और नहीं ढो पाएंगे। एहसानों की बात मुझसे तो कम से कम ना कीजिए मौसी। और प्लीज इन सब बातों के लिए ना मुझ में एनर्जी है और ना ही मेरे पास समय। आप लोग वापस कमरे में जाइए और जैसे रह रही थी वैसे ही रहिए। नहीं सर, पहले भी मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती थी पर तुमने मुझे रोक लिया। अगर उस वक्त हम चले जाते तो आज मेरे पायल के साथ ये सब कुछ नहीं होता। नहीं, मैं अपनी बच्ची की जिंदगी को जो कि मैं नहीं डालना चाहती। मौसी देखिए, पहले जो भी कुछ हुआ वो सब मल्होत्रा साहब की वजह से हुआ और आप तो जानती है ना कि अब उनसे हमारे कोई भी संबंध नहीं है। और कौन सी टेंशन है आप? नहीं बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते में कोई भी दरार है। दरार तो जितनी आनी थी आ चुकी मौसी, और उसकी वजह आप लोग नहीं है। अब आप खुलकर बताएंगे कि आखिर आपके मन में क्या है? कसूर किसी का नहीं, हमारी बदनसीबी का है। पहले गांव में वो हादसा हुआ, फिर मल्होत्रा साहब हमें परेशान कर रहे हैं और अब पूर्वा पायल को मारना चाहती है। मार मार कर मेरी बेटी को बेहाल कर दिया उसने। पूर्वा क्या है भैया? तुमने हाथ उठाया पायल पर? मैंने तो ना सिर्फ इस पर हाथ उठाया है बल्कि इसे घर से बाहर निकाल रही थी। तुम कौन होती हो इसे घर से बाहर निकालने वाली? माफी मांगो उससे। मैं कहता हूं माफी मांगो इससे। मैं इससे माफी मांगूंगी? कभी नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उसका ना तो मुझे कोई अफसोस है और ना ही होगा। मैं इससे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। और हाँ, अगर आपको इससे इतनी हमदर्दी है ना तो ले जाइए इसे यहां से और जहां रखना है रखिए। एक शब्द भी और मुंह से नहीं निकालना, समझी तुम? और कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो पायल के लिए तुम्हें अपने दिल से नफरत निकालनी होगी। और अगर दिल से नफरत नहीं निकाल सकती तो खुद इस घर से निकल जाओ। कश्मकश जिंदगी की प्रायोजक सनसिल्क दो गुने घने बाल अब एक रुपए में। 4, 5 और 6 फरवरी को